तो विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करने के लिए आपको लगता है मीडिया क्रिएशन टूल। अगर वो मीडिया क्रिएशन टूल वर्क ना करे या फिर किसी भी तरीके से वो बीच में बंद हो जाए प्रोसेस के बीच में, तब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, 4 सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपका मीडिया क्रिएशन टूल है वो वर्क करने लग जाएगा। अगर आपके पीसी में मीडिया क्रिएशन टूल वर्क नहीं करता है तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है कि आप लोग कैसे विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अपग्रेड करने से पहले आप लोगों को बैकअप लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी फाइल्स सेफ रहेंगी। तो बैकअप ले लेना, उसके बाद में आप लोगों को मैं सेकंड वाले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप लोग उसको अपग्रेड कर सकते हो विदाउट मीडिया क्रिएशन टूल। तो फटाफट से यहाँ पे मीडिया क्रिएशन टूल के सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। 4 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, 1 by 1 बताऊंगा। सबके टाइम मैप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल कर दो, और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना डिस्क क्लीनअप कर लेना है, जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी उनको सभी को डिलीट कर देना। तो यहाँ पे मैं लोकल डिस्क सी में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लूँगा, सेक्शन है वो आ गया, और यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लूँगा, उसके बाद थोड़ी देर में कैलकुलेटिंग यहाँ पे शो करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस आपको डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स, ऑफलाइन वेब पेज, रिसाइकल बिन, सेटअप लॉक फाइल्स। तो यहाँ पे इन सभी फाइल्स को आप लोग जो आपको अननेसेसरी फाइल लगती हैं आप लोग सभी को टिक करके यहाँ से नीचे आपको क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में कुछ देर ये लोड होगा, लोड हो चुका है पूरा। अब मैं इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे डिलीट फाइल का ऑप्शन मुझे पूछ लेगा, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, तो ये कुछ देर में क्लीन हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये हो चुका है। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे कमांड का बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सारे जो कमांड्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमांड्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। कमांड फर्स्ट सेकंड, मैं यहाँ पे नंबरिंग से आप लोगों को कमांड दूंगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करना है और सारे कमांड आपको 1 by 1 करने हैं, जो भी मैं कमांड आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कमांड दिखा रहा हूँ वो है नेट स्टॉप WUAU सर्व। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं आप लोगों को कमांड दिख वो सारे कमांड्स आपको टाइप करते जाने हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कमांड डालने वाला हूँ, तो वो आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे भी कमांड देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप लोग टाइप कर सकते हो, नेट स्टॉप बिट्स। तो यहाँ पे तीसरा कमांड है नेट स्टॉप क्रिप्ट SVC। तो यहाँ पे चौथा जो कमांड है नेट स्टॉप MSI सर्वर। यहाँ पे पांचवा कमांड है रन C/Windows/Software/Distribution/Software/Distribution.old। यहाँ पे रन C:\Windows/System32/cat root2.old नेट स्टार्ट WUAU सर्व। यहाँ पे फिर से नेट स्टार्ट बिट्स। तो ये जो कमांड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बेसिकली यहाँ पे कुछ जो सर्विसेज होती है उनको हम लोग रीस्टार्ट करने के बजाय हम लोग यहाँ पे पहले उसको स्टॉप करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये सारे जो कमांड्स हैं वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली 1 by 1 कॉपी पेस्ट करके अपना काम कर सकते हो। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये कमांड मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो वो आप लोग को कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट कमांड है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया है। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगा विंडोज़ +R को प्रेस करना है और MS config टाइप कर लेना है, उसके बाद में बस ओके कर देना। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा टैब दिखा देगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे आप लोग को सर्विसेज वाले टैब में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। यहाँ पे इसको क्लिक करके जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे वो हाइड हो जाएंगी, तो आप लोग यहाँ पे सर्विसेज को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद में एक बार रजिस्टर करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका मीडिया क्रिएशन टूल वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं, मॉडिफाई द रजिस्ट्री। तो यहाँ पे आप लोग को विंडोज़ +R को प्रेस करना है और टाइप करना है REG edit। तो यहाँ पे आप लोग यस करने के लिए पूछा है तो यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को जाना है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बाद में यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को H की लोकल मशीन,
उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नीचे सॉफ्टवेयर में आना है, फिर उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट, और फिर बाद में यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा इसमें विंडोज़ के अंदर आप लोगों को जाना है करंट वर्जन में, और करंट वर्जन के अंदर जाना है आप लोगों को विंडोज़ अपडेट में। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बस राइट क्लिक करके एम्प्टी एरिया मतलब खाली जगह पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है और न्यू डी वर्ड 32 वैल्यू को ऐड करना है। उसके अंदर आप लोगों को डबल क्लिक करके यहाँ पे उसमें जो वैल्यू है उस जीरो को वो वन कर देना है, वन करने के बाद वैल्यू को रख देना है और हेक्साडेसिमल ही रहना चाहिए वो, तो उसको ओके कर देना। ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, कंप्यूटर एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन विंडोज़ अपडेट ऑटो अपडेट, तो ये जो पूरा लाइन है ये डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो ये डायरेक्टली उसी सेक्शन में आ जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं एक बार रिस्टार्ट करके चेक कर लेना कि आपका मीडिया क्रिएशन टूल वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो आप बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ, सॉल्यूशन नंबर 4, क्लीन द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होता है उसको हम लोगों को क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लूँगा, विंडोज़ प्लस ई को प्रेस करके आप लोग ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग को दिस पीसी में जाके अपने एसर वाले मतलब आपका जो भी लोकल डिस्क सी होगा उसमें हम लोग को जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ वाले पेज पे जाना है, विंडोज़ के अंदर विंडोज़ वाले फोल्डर के अंदर आप लोगों को जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आप लोग एस को टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, तो एस मैंने टाइप किया है और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर, तो इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसको भी डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके बस आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग ये डिलीट करके डायरेक्ट आपको जो कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है उसको आप लोग करके डायरेक्टली आप लोग चेकआउट कर सकते हो, तो जिससे कि आपका जो मीडिया क्रिएशन टूल है वो वर्क करने लग जाएगा। तो जब भी आप लोग चारों सॉल्यूशन कर लो या फिर एक भी सॉल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आप लोग एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना, रीस्टार्ट करने के बाद में एक बार चेक कर लेना कि आपका मीडिया क्रिएशन टूल है वो चल रहा है या फिर नहीं। अगर ये चार सॉल्यूशन करने के बाद में भी आपका मीडिया क्रिएशन टूल वर्क नहीं करता है तब आप लोग मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग विदाउट मीडिया क्रिएशन टूल आप लोग विंडोज़ 10 को डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब ऑफिशियल विंडोज़ 10 को आप लोग दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो उस वीडियो में कवर कर लूँगा, और कैसे आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हो वो भी उस वीडियो में कवर कर लूँगा। तो फटाफट से वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन ऑल पर कर देना, और मिलता हूँ मैं किसी बढ़िया और इंटरेस्टिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।